प्रॉपर स्क्रू लगाया है दो, ये और दो ये साइड, दो ये साइड। उसके बाद हॉर्नेट में एक एक्स्ट्रा स्क्रू है, उसका भी खास ख्याल रखा है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया हॉर्नेट 2.0, तो फाइनली बजरंग भाई का मैं सबसे पहले तो थैंक यू करूँगा। वो पंडरपुर से स्पेशली यहाँ पर आए ये सेटअप के लिए। अभी उनको इतना रिक्वायरमेंट था नहीं, बट मुझे सेटअप फाइनल करना था तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने लेके आया बाइक, तो उनको सबसे पहले तो शुक्रिया करूँगा। और उसके बाद ही फिलहाल थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा सेटअप के लिए, फाइनल तो हो चुका है सब, बट क्या है उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, एक 10 डेज एटलीस्ट, क्योंकि आपको तो पता है महाराष्ट्र में संचार बंदी का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बाइक लेके बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मीन्स क्योंकि ऑलमोस्ट 50% काम तो मेरे कंपनी में होता है, बट उसका 50% काम मुझे बाहर से लाना पड़ता है, तो वो रह जाता है। तो आप उसका ये पॉइंट भी आप कंसिडर करिए। और आई गेस आज से जब ये वीडियो डालूंगा उसके एक वीक के बाद शायद से फाइनल होगा। ये सबसे बेस्ट होगा कि हॉर्नेट का जो सेटअप था वही बैठता है इसके ऊपर। फिलहाल मैं कैरियर और बैकरेस्ट ही चालू कर रहा हूँ, सैडल स्टे तो इजीली बैठ जाएगा, बाकी जैसा एक्सब्लेड वगैरह पे बिठा है तो वो अभी फिलहाल टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए आज नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों का। और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए इसके अंदर तो जाइए कमेंट सेक्शन पर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। चलिए चेक करते हैं कौन सा सेटअप परफेक्ट बैठेगा। ये जो है यूनिकॉर्न का सेटअप है, बट इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है जो कि फाइबर पे टच हो रहा है, तो मुझे लगता है ये नहीं बैठेगा। तो अभी फिलहाल मैंने चालू कर दिया है प्रॉपर हॉर्नेट 2.0 का काम। ये इन्होंने गिव अवे में जीता था तो मैंने इनको लगा के दे रहा हूँ ऑयल कैप। उसके बाद ये तो यूनिकॉर्न का सेटअप है, देख रहा हूँ बैठ जाएगा, बट भाई इशू आ गया इसके अंदर तो ये नहीं बैठेगा। तो यार मुझे अभी दूसरा सपोर्ट चेक करना पड़ेगा। तो चलिए KTM ड्यूक का चेक करता हूँ, वो काम में आएगा। उसके बाद थोड़ा सा इशू आ रहा है फाइबर वगैरह के वजह से, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये सपोर्ट तो नहीं बैठेगा यूनिकॉर्न का। तो अभी मैंने क्या किया है, ड्यूक का जो मैंने पहले बनाया था ना सेटअप, नहीं हॉर्नेट का फर्स्ट सेटअप जो था ना, काफ़ी मीन्स स्ट्रेंथ वगैरह कम था तो ये बैठ गया। दो स्पेसर, दोनों साइड स्पेसर लगा के बिठा दिया। तो ये स्क्रू भी लगाया है मैंने, तो वो ध्यान से देखिए, उसको भी लगाया है मैंने, तो वो ये बैठ जाएगा परफेक्टली। तो यार सही से बैठ गया यार पूरा हॉर्नेट का, बट ये वाला पहले का है यार, शायद से मुझे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। चलिए जो फाइनल हॉर्नेट का जो फाइनल वाला है वो लगा के देखता हूँ। नहीं ये तो फाइनल वाला ही है शायद, तो सब तो बैठ गया है पूरा परफेक्टली बैठ गया है। और लेडीज स्कूटर्स का भी काम करना है, तो ये आपके सामने परफेक्टली बैठ गया है। और इसके बाद नहीं इसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, तो मैं करता हूँ उसका चेंजेस। थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, तो वो टिल्ट का तो काम हो जाएगा यार, वो तो सिंपल है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। और इतना टिल्ट भी चल ही जाता है, क्योंकि टिल्ट रहेगा तो बैक प्रॉपरली बढ़ता है, बट इतना भी टिल्ट नहीं रखूँगा मैं, निकाल दूंगा उसका टिल्ट, उसका कुछ इशू नहीं है। तो चलिए अभी फुटरेस्ट का चेक करती है फिटिंग। तो फुटरेस्ट तो बैठेगा प्रॉपरली, बट थोड़ा सा माइनर चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रू, ये जो स्लॉट है इसको मुझे नीचे लेना पड़ेगा सबसे पहले तो, और जो एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पर लगता है उसको भी थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा के देखता था, बट हार्डवेयर की दुकान बंद रहने की वजह से प्रॉब्लम आया है, बट ये तो हो जाएगा, सिंपल सा इशू है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट थोड़ा सा नीचे ले लूँगा, थोड़ा या 10-15 mm नीचे लेना पड़ेगा, तब एक्स्ट्रा सपोर्ट लग जाएगा। उसके बाद ये भी 15 mm अगर मैं स्लॉट नीचे लेता हूँ तो ये भी बैठ जाएगा। तो चेंजेस काफ़ी सारा कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी कंपनी में, बट क्या है मुझे पता नहीं था कि बाइक आ जाएगा इसके लिए, मैंने बना दिया। तो चलिए वीडियो को चालू करते आगे।
सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पिलियन कंफर्ट चेक कर लीजिए, प्रॉपरली बैठ गया हूँ मैं खुद चेक कर रहा हूँ इस बार, और काफ़ी जगह भी रखा है सब जगह से, सैडल स्टे वगैरह बाद में फिटिंग करके बता दूंगा अभी आपको। चलिए आपको हॉर्नेट 2.0 का सेटअप बताता हूँ, जो कि काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी डिमांड के बाद मैंने किया है। फिलहाल जो है टॉप प्लेट एक्स ब्लेड का बिटा है, तो उतना निग्लेक्ट कर लो, आपको फिटिंग्स के बारे में पहले ही बता दिया है, तो सेम ऐसा ही फिटिंग रहेगा हॉर्नेट 2.0 के फाइनल के लिए भी। अगले व्लॉग में जैसे कि जिनका बाइक है उन्होंने डिमांड किया है कि ये थोड़ा सा आगे आ गया, तो मैं इसको पीछे कर लूँगा उसका, अगर हाँ वो तो करना तो पड़ेगा ही क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया है, तो वो एक नॉर्मल माइनर चेंज है जहाँ पे मैं यहाँ पर उसको चेंज कर दूँगा, यहाँ से इसका एंगल थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, पूरा टिल्ट पूरा स्ट्रेट नहीं रख सकता हूँ क्योंकि बैक स्लिप होने का चांसेस होता है, तो टिल्ट तो कर लूँगा। तो चलिए आपको अभी बताता हूँ, ये है बैक रेस्ट, स्क्वायर में बैक रेस्ट भी अवेलेबल है आपको अगर चाहिए तो, ये फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं था इसके लिए मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद साइड में आप देख सकते हो। और सैडल स्टे की बात करते हैं, सैडल स्टे फिलहाल लगाया नहीं क्योंकि टाइम परमिटेड नहीं था इसके लिए फ़िलहाल लगाया नहीं, तो फिर दिखाता हूँ सैडल स्टे का फिटिंग बैठेगा इधर, यहाँ पीछे से आएगा सैडल स्टे ऐसा उसका प्लेट, और डायरेक्टली यहाँ पे बैठ जाएगा, तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, सैडल स्टे डायरेक्टली बैठ जाएंगे इसके ऊपर, जो कि मेरा सैडल स्टे जो मैं एक्स ब्लेड वगैरह के लिए बिठाता हूँ। टॉप प्लेट में मैंने फ़िलहाल एक्स ब्लेड का टॉप प्लेट यूज़ किया है, बट यहाँ पर दो स्क्रू एक्स्ट्रा ऐड हो गए। नीचे का जैसे बताता हूँ, यहाँ पर आएगा एक रबर वॉशर जो कि आपका ये फाइबर पकड़ के रखेगा, उसके बाद यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सही नहीं दिख रहा है, गैप बहुत काफ़ी दिख रहा है, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम जैसे ही सेटअप फाइनल होता है उसके बाद सोचेंगे कुछ तो भी, उधर रबर पैडिंग वगैरह कुछ तो भी लगा के वो पैक कर देंगे। तो और स्ट्रेंथ की बात करते हैं, 10-15 kg आराम से ले लेगा, और उसको एक्स्ट्रा वजन बढ़ाना है तो आपको सैडल स्टे लगा के लेना पड़ेगा। तो आप इधर देखिए गैप रखा है इधर काफ़ी सारा, जिससे क्या होगा अगर किसी ने ज़ोर से आके उसके ऊपर प्रेशर भी कर दिया तो आपके फाइबर में कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। और दो स्क्रू लगाने के बचे हैं फिलहाल, ये एक्स ब्लेड का टॉप प्लेट है, हॉर्नेट का थोड़ा चेंजेस करके बनाना पड़ेगा, और सैडल स्टे अभी नहीं, सैडल स्टे अगली बार लगा के बताऊँगा आपको, यहाँ पर जो भी जिधर भी लगाने का है अगली बार लगा के बताऊँगा, फिलहाल बता नहीं रहा हूँ आपको। और सीट का नीचे का फिटिंग तो ऑलरेडी बता दिया है, पिलियन कम्फर्ट भी दिखाया इस बार, कभी बताता नहीं हूँ मैं, मीन्स जब से MT15 बनाए तब लोगों ने डिमांड किया उसके बाद से मैंने बनाना चालू किया है। और टॉप बॉक्स भी हो सके तो नेक्स्ट टाइम बिठा के देखूंगा, हुआ तो, बट वो फाइनल नहीं है, फिक्स नहीं है, हुआ तो टॉप बॉक्स भी बिठा के दिखा दूंगा क्योंकि वो प्लेट्स मेरे पास घर पे ही रहेंगे, और अगर टॉप बॉक्स भी घर पे रहा तो वहीं पे बिठा के दिखा दूंगा। चलिए अभी थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली हॉर्नेट 2.0 काफ़ी दिन के पास, तो लेडीज़ फुटरेस्ट नेक्स्ट टाइम फाइनल हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस बचा है, माइनर चेंजेस बोल सकते हैं, जो कि मैंने नॉर्मल हॉर्नेट के लिए बनाया था उसमें और इसमें चेंजेस हो गए। एक्स ब्लेड का भी फाइनल हो चुका है, व्लॉग आया नहीं है, पता नहीं है कुछ पन, तो जाइए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इंक्वायरीज के लिए प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, तो व्हाट्सएप कीजिए जब भी फ्री होता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा। और जैसे कि पिछले एक व्लॉग में मैंने बताया था कि प्लीज़ थोड़ा टाइम लेके मैसेज कीजिए, और भी कुछ चाहिए हॉर्नेट 2.0 के लिए प्लीज़ मुझे सजेशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टू बी कंटिन्यूड।